चलिए तो फटाफट से अभी देख लेते हैं मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ जनरल टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जितने भी एक्ट हैं जो टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड हैं, और दूसरा हम नज़र मारेंगे वो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, यानी कि पुरानी आईपीसी की धाराएं जो टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओल्डेस्ट एक्ट, जो सबसे पुराना चल रहा है, पॉइजन एक्ट है 1919 का। ये जो एक्ट है, पॉइजन एक्ट, ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट ऑफ पॉइजन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका अधिकार देता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी रिगार्डिंग द पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, ये एक्ट कहता है। इस एक्ट के अंदर दो लिस्ट भी दी हुई हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों लिस्टों को, तो इनके अंदर आपको ये सारी जो हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी, जैसे एट्रोपिन, कैंथेटीन, नक्सोमिका, मॉर्फिन, क्लोरोफॉर्म, है ना। तो ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले पॉइजन है बेसिकली, और ये सब रेगुलेट होते हैं इन दिस एक्ट, पॉइजन एक्ट 1919। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ याद आ रहा है क्या इनको देख के? नहीं आ रहा अभी। कौन है? संदीप भैया है ना, संदीप ओलान, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ये लड़का याद है? संदीप भैया की स्टोरी में ये सच विलन वाला रोल किया है इसने, बड़ा अच्छा सा स्टोरी थी एस्पायरेंट की, जिसमें वो संदीप भैया वाला जो पार्ट है उस वाले में, कि एक जगह पे वो एक लेबर होता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ करते टाइम अपने वर्क प्लेस पे उसको इंजरी हो जाती है, और फिर ये जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं ये मिलके उसको हेल्प करते हैं कॉम्पनसेशन दिलाने में। तो उस टाइम पे ये लड़के की बड़ी लीजेंडरी सी लाइन है ये, कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट तो पढ़ ही लिया होगा एक बार, है ना। फिर यही लड़का ये भी बताता है कि अब इसका नाम जो है चेंज होके हो गया है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट यही बोलता है कि भाई जो वर्क प्लेस पर अगर किसी को इंजरी होती है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, है ना, काम करते हुए उसको इंजरी हो गई है कुछ उससे रिलेटेड। तो आपको कहे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें बड़ी बात क्या और हमारा क्या लेना देना है इससे? आपका दो तरह से लेना देना है, एक तो अगर इंजरी हुई है तो इंजरी भी तो आप ही के पास आएगी, और सेकेंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम, है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात की थी जब ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी में। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो रिलेटेड होती हैं विथ ऑक्यूपेशन, है ना। तो ये जो एक्ट है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट, वो इस चीज़ को स्पेसिफिकली रिकग्नाइज करता है। तो आप डॉक्टर हो, आपके पास ऐसे लोग आएंगे, ऐसे मरीज आ सकते हैं आपके पास में, डायरेक्टली आ सकते हैं, या फिर हो सकता है इसी पर्पज़ के लिए आपके पास भेजा जाए एग्जामिनेशन के लिए, कि इसको जो बीमारी हुई है क्या वो इसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है ना। तो उसको कॉम्पनसेशन मिलने में इससे हेल्प होगी इसके अंदर। ठीक है, अगला है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इसमें ये क्या करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये वही रेगुलेट करता है, हर एक्ट की तरह ये भी रेगुलेट ही करता है, हर एक्ट रेगुलेट ही करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कंट्रोल करता है क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स। और ये जो एक्ट है ये भी बताता है कि कोई भी जो मेडिसिन है उसका जो कंटेनर है उसके ऊपर उसका इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए, जो हम देखते हैं ना इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, और या फिर उसका फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, ये वाला जो एक्ट है ये इसके कारण होता है ऐसा। ठीक है, जो हमारे थोड़ा सा ज़्यादा काम की चीज़ है वो ये है कि ये जो एक्ट है इसके बेसिस पर रूल बने, एक्ट के बेसिस पर रूल बनते हैं ना, है ना। तो एक्ट के बेसिस पर जो रूल बने हुए हैं 1945 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, उनके अंदर क्लासीफाई किया गया है ड्रग्स को शेड्यूल्स में, सी से लेके एल तक। और आई एम प्रिटी श्योर कि आपको फार्मा वालों ने ये बिल्कुल पढ़ाई ही पढ़ाए होंगे, है ना, कि देखो ये शेड्यूल है और इसके अंदर ये आती हैं ड्रग्स। हमारे काम की क्या चीज़ है वो है ये कि जो शेड्यूल एच और एल है, एच में है ड्रग्स पॉइजन टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी, यानी कि आप, और एल यानी कि एंटीबायोटिक, एंटीस्टामिनिक एंड अदर रिसेंट कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, ये हैं एच और एल में। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के हिसाब से बोथ शेड्यूल एच एंड एल ड्रग्स मस्ट नॉट बी सोल्ड बाई रिटेल एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन बाई ए आरएमपी। ठीक है, बाकी इसका भी ये आ चुका है, ड्रग मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 पेंडिंग चल रहा है अभी, तो इसमें मेडिकल डिवाइसेस भी जुड़ जाएंगी, है ना, तो उसका भी, उनकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी का भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, जब आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर एक और चीज़ जो इस रूल के अंदर है इम्पोर्टेंट वो ये कि इस रूल के हिसाब से कोई भी जो ड्रग सप्लाई होती है प्रिस्क्रिप्शन पे की गई,
तो उसका एक प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए जो सप्लायर है उसके द्वारा। तो उसमें वो सब ये लिखेगा, सीरियल नंबर ऑफ द एंट्री, डेट ऑफ सप्लाई, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर एंड पेशेंट बोथ, ठीक है, और नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग और मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब, और सिग्नेचर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन सप्लाइंग द मेडिसिन। तो वो खुद भी, उसकी भी खुद के भी सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए। ये सारे रूल्स हैं बट अब पता नहीं अब कैसे फॉलो तो होते नहीं है। ठीक है, अगला आपका एक और एक्ट आता है, फार्मेसी एक्ट 1948। ये क्या कहता है, ये जो एक्ट है ये इस एक्ट के हिसाब से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही जो है वही जो है कंपाउंड प्रिपेयर, मिक्स और डिस्पेंस कर सकता है मेडिसिंस को, ठीक है, और ये वो करेगा ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि आप, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, फार्मेसी वालों को पढ़ाओ, है ना, आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये लाइन आपके ऊपर लागू नहीं होती है पूरी तरह से। कैसे, अपने ही पेशेंट्स को ड्रग डिस्पेंस करने के लिए आपको ये एक्ट रोकता नहीं है, है ना। तो आप अपने पेशेंट्स को दवाई दे सकते हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके दुकान खोल लो और फिर बोलो कि सर ने बोला था कि हम दवाई डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वही दवाइयाँ डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक फार्मेसी बिल आ रखा है, तो देखेंगे उसका भी कुछ अमेंडमेंट आएगा तो, ठीक है। फिर एक और है, ड्रग कंट्रोल एक्ट, और एक है आपकी बुक्स में दे रखा है इसलिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ा। ये ड्रग प्राइस वगैरह से ज़्यादा रिलेशन था इसका, है ना। तो लेकिन 2006 में एक बिल आ गया था और ये रिपील हो गया था, तो आई डोंट नो मतलब, क्योंकि ड्रग प्राइस जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कवर होता है, तो ये पढ़ाने की बजाय आपकी बुक्स में जो ड्रग कंट्रोल एक्ट ही पढ़ा रहे हैं, तो आई डोंट नो, ठीक है। तो ये रिडंडेंट है, याद रखना, और एसेंशियल कमोडिटी जो है एक्ट 1950 है वो करता है, ड्रग का जो प्राइस कंट्रोल है वो ये वाला एक्ट के अंदर में होता है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर अगला बहुत ही मज़ेदार एक्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो ये जो एक्ट है ये क्या कहता है, ये बैन करता है ऐसे किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट को जो है ना इनडिसेंट टाइप के होते हैं, इमोरल टाइप के होते हैं और कुछ मैजिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट को, किसी भी तरह का मैजिक ट्रीटमेंट जो है, विथ स्पेशली विथ रिलेशन टू लाइक सेक्सुअल पोटेंसी हो गई, कॉन्सेप्शन हो गया, एबॉर्शन के लिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए, वेनरल डिसीजेज के लिए, गुप्त रोग करके पूरा। हालांकि अब ये बड़ा अजीब सा है कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और जो मार्केट में आप रियलिटी देखते हो ये है कि दुनिया भर में बोर्ड लगे हुए हैं, डॉक्टर डॉट डॉट डॉट, है ना, गुप्त रोग के लिए मिले और फलाना ढिमका सब। बट ठीक है, देर इज़ ए एक्ट रिगार्डिंग दैट, ऐसे जो हैं ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, इनडिसेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर में, ठीक है। इसका भी एक बिल पेंडिंग है, ये बिल आएगा तो आई डोंट नो, अभी इसको मैंने पढ़ा नहीं है बिल को, हो सकता है इससे कुछ स्ट्रिंजेंट अगर पनिशमेंट इसमें आते हैं तो शायद को थोड़ी रोक लगे, है ना। फिर अगला आ गया आपका NDPS एक्ट, यानी कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये क्या करता है, ये ऑब्वियसली जो हमारे नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है ना। तो इसको ये आपको पता ही है कि जो कल्टीवेशन है पॉपी, कैनाबिस और कोका प्लांट का, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। और ये जो है ये हमारे तीनों जो हैं ये हमारे सिलेबस में तीनों एक एक टॉपिक हैं, ये तीन पॉइजन के नाम पे हम इनको 3 बार पढ़ेंगे, 3 चैप्टर्स। तो जब आप पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में उस टाइम स्टडी करेंगे ही सही। तो अभी NDPS में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ कि नार्कोटिक ड्रग क्या होती है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है, वहाँ पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना ये एक्ट है और इन तीनों के लिए, इन तीनों को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। इसका भी एक अमेंडमेंट एक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो चलो यहाँ हमारे एक्ट हो गए ख़त्म, अब देखते हैं IPCs यानी कि भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं, तो फटाफट फटाफट देखते जाते हैं। तो पहली धारा है सेक्शन 23 ऑफ BNS एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, इंटॉक्सिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो सेक्शन 24 है ये भी यही बात करता है, बट ये बात करता है ऐसा पर्सन जो अपनी इच्छा से इंटॉक्सिकेट हुआ है या जिसको पता है इंटॉक्सिकेट होने का अपने बारे में, इन दोनों का ये डिफरेंस है दोनों का, कि ये जो है सेक्शन 23 ये बात करता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की, और सेक्शन जो 24 है ये बात करता है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ऑब्वियसली नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ लाइक इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल। तो अगर कोई पर्सन है उसने अगर कोई क्राइम किया है ना, और वो
अंडर द अंडर इंटॉक्सिकेशन किया है और वो इंटॉक्सिकेशन उसकी विल से नहीं हुआ है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस चीज़ को हम और पढ़ेंगे जब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट या फिर जब फॉरेंसिक साइकेट्री वाला पार्ट देखेंगे तब और पढ़ेंगे। बट ठीक है, अभी इतना याद रखना, सेक्शन 23 इनवॉलेंट्री और सेक्शन 24 वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। 23 में वो ऑफेंस नहीं है और 24 में वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्ट के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन 284 ऑफ IPC, जो बात करता है निग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। अब ये हो गया है सेक्शन 284 ऑफ BNS। नंबर भी चेंज नहीं हुआ इसका तो बेचारे का। ठीक है, इसमें जो चेंज आया है उसको थोड़ा सा मैंने करके देखा पढ़ के, तो मुझे मिला कि ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है उसको और बढ़िया कर दिया इसमें कि लेकिन आपको UG लेवल पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। आप बस इतना याद रखो सेक्शन 284 ऑफ BNS निग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस बस। और इसमें पहले सज़ा कुछ और थी लेकिन अब 6 महीने और 5,000 फाइन है, बस ये आपके लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट धारा है हमारी सेक्शन 324 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाई डेंजरस वेपन और मीन्स। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जो 324 था वो अब हो गया है 116। 114 था हमारा ग्रीवस हर्ट, 116 हो गया वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट बाई डेंजरस वेपन और मीन्स। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, यहाँ के लिखा वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाई डेंजरस वेपन और मीन्स, और ये हो गया वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट बाई डेंजरस वेपन और मीन्स। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो सेक्शन 326 है IPC का वो था वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाई डेंजरस वेपन्स और मीन। ठीक है, तो 324 और 326 जो था है ना, ये 324 और 326, एक में क्या था वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट 324 और 326 था ग्रीवस हर्ट, तो वो चेंज होके अब हो गया 116। 116 में दोनों आ गए, 116 के अंदर दो क्लॉज कर दिए, तो एक में हर्ट और दूसरे में ग्रीवस हर्ट कर दिया, बट वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट। ठीक है, इसमें जो चेंज आया है ज़्यादा बड़ा वो ये है कि यहाँ फ़ाइन जो है 116 के फर्स्ट वाले क्लॉज में फ़ाइन को उन्होंने कर दिया है कि कितना फ़ाइन हो सकता है, 20,000 रुपये तक फ़ाइन हो सकता है उसमें, सी लिमिट कर दी है उसकी, और जो कि पहले डिफाइन नहीं थी। और जो आपका ये वाला है ग्रीवस हर्ट वाला जो है उसमें जो पनिशमेंट है वो कर दिया शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। तो ये दो चेंजेस हैं, इसको पूरा आराम से पढ़ना बैठ के, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो पहली बार तो ऐसे नहीं, ऐसे मत करना ना, पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से पढ़ना पूरा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सारे बच्चों का, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ना। इसमें से इसको पढ़ के जो काम की चीज़ निकलेगी वो बता देता हूँ। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट बाई डेंजरस वेपन्स और मीन्स। डेंजरस वेपन जब वेपन पढ़ेंगे तब बता दूंगा, बट डेंजरस मीन्स क्या होते हैं? डेंजरस मीन्स मतलब एनी पॉइजन, एनी करोजिव सब्सटेंस, एनी एनिमल। एनिमल, अरे भाई किसी को हर्ट और ग्रीवस हर्ट करने के लिए आप एनिमल भी तो यूज़ कर सकते हो ना, सांप भी छोड़ सकते हो किसी के ऊपर, कुत्ता भी छोड़ सकते हो, तो एनिमल यूज़ हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में भी लिख दिया एनी सब्सटेंस डिलीटरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल सॉलो और रिसीव इनटू ब्लड। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी सब्सटेंस हो जो ह्यूमन हेल्थ को डिलीटरियस इफेक्ट डाल रहा हो वो सब इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना सेक्शन 116 ऑफ BNS वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट बाई डेंजरस वेपन्स और मीन्स। ठीक है, ए 326A, वो 326 था। ठीक है, एक सेकंड सुनो, जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुए थे ना तो 326 के अंदर 326A और भी ऐड किया था, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाई यूज ऑफ एसिड एंड अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, ऐसे करके दो ए और बी ऐड किए थे, तो उनको अभी उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ऐसा हुआ है कि ये चला गया है BNS 122 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाई यूज़ ऑफ एसिड। ठीक है, इसका हो गया क्लॉज 1, जो 326A था पहले वो अब हो गया इसका 1 क्लॉज। ठीक है, और इसके अंदर जो ऐड किया है, जो चेंज आया वो है कि वो पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में चला गया उस अटैक से, उस चीज़ को ऐड किया है। ऐसे ही जो 326B था वॉलेंट्री थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, वो हो गया है अब 122 का क्लॉज 2, तो थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड ऑन एनी पर्सन। ठीक है, इसमें जो चेंज आया है वो यही है कि इसके अंदर भी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट को रिकग्नाइज किया गया है कि ऐसा हो सकता है किसी के साथ में ना। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना कि क्या होता है वो, एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही सही कि सेक्शन 122 जो है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाई यूज़ ऑफ एसिड है। ठीक है, और इसमें क्लॉज 1 और 2 है, और 2 जो है वो अटेम्प्ट टू थ्रो है। ठीक है, चलो फिर सेक्शन 328 कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है,
ये जो है सेक्शन 328 ऑफ आईपीसी, ये अब हो गया 121 ऑफ बीएनएस, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 328 इज एज इट इज़ हो गया सेक्शन 121 ऑफ बीएनएस, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट आईपीसी और देख लेते हैं, एडल्टरेशन ऑफ ड्रग 274 ऑफ आईपीसी, इसका भी सेम ही है, ये तो इसका तो नंबर भी चेंज नहीं हुआ बेचारी का, तो 274 हो गया बीएनएस का एडल्टरेशन ऑफ ड्रग। इसमें सिर्फ ये चेंज है छोटा सा, 6 महीने और 1,000 रुपये से 1 साल और 5,000 रुपये हो गया, तो ये याद रखना बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी आईपीसीज हैं जो दे रखी होंगी आपकी बुक में, बट एज़ फार एज़ लाइक मुझे लगता है कि इतनी आईपीसीज काफ़ी हैं यूजी के लिए, और इवन पीजी के लिए भी इतना पता होना, ये जो जनरल जनरल जितना मैंने अभी बताया है इतना नॉलेज होना काफ़ी है। इसमें जहाँ जहाँ डिटेल्स में जाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसको जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, है ना। सो ठीक है, थैंक यू।